Alhamdulillah. Alhamdulillah, he haqqa hamdi. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya min ba'di. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa azwajihi wa itratihi. Wa ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس خوبصورت جلسے میں جلوہ باغ علماء کرام ائمہ مساجد مشائخ ذویل احترام بالخصوص میرے والد گرامی شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی میاں شرفی الجیلانی شہزادہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند جلوہ بار ہے وقت بھی کم ہے اور بیماری کی وجہ سے ذرا جسم میں دم بھی کم ہے ابھی ایک جلسے سے فرصت پا کے اس کے پسینے کو سکھایا ہی نہیں بالکل گیلا ہے پسینہ بھی موجود ہے سامنے مدینہ بھی موجود ہے مگر کوشش ہے بڑی مشقت اور محنت سے بزم کو سجایا ہے تقریر تو آپ کو ابھی سننی ہے تمہید کو پہلے بلا دا کر اور حسب فرمائش ہمارے حاجی عبدال صاحب نے کہا کہ اپنی کہی ہوئی کوئی نعت کے دو چار شعر بھی اس صورتحال میں شعر کہاں سے نکلے اور کیسے لیکن آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ ادا ہو جائیں گے جھوم جھوم پہ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پیش خدمت ہے مدفن مدفن میں روح برو جو ہوئے ہم حبیب سے یہ مدفن یعنی قبر گریو جہاں سب کو جانا ہے وہ وہاں گئے تو سب کا جانا اور ہے مسلمانوں کا جانا اور ہے وہ کیا دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اسی جذبات کی عکاسی کی ہے مدفن میں روح برو جو ہوئے ہم حبیب سے مدفن میں روح برو جو ہوئے ہم حبیب سے مدفن میں روبرو جو ہوئے ہم حبیب سے محشر سے پہلے دیکھ لی جنت قریب محشر سے پہلے دیکھ لی جنت قریب سے محشر اور یہ پہلا شعر ہے بچوں کے ساتھ دیکھیں کہ حسن و جمال مصطفیٰ
दिखता है आज भी। देखने के लिए नजर चाहिए, नजर के लिए बलियों की तवज्जो चाहिए, तभी ऐसा चाहिए। दिखता है वो सुनो जमाल मुस्तफा, दिखता है आज भी। इश्क़े 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 बिलाल मिल गया जिसको नसीब से। इश्क़े बिलाल मिल गया जिसको नसीब से। इसी मौके पे पूरी नाते पा, क्योंकि खांसी काफी आ रही, मक्ता सुन ले, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगु करके रुखसत हो जाऊंगा। मक्ते में तसव्वुर है, जिंदगी के साथ देखिएगा। इश्क सुने इश्क बेलाल मिल गया जिसको नसीब से। जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे जब तक चलेंगी नूर की सांसें मेरे हुजूर, होती 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 रहे तुम्हारी सना इस गरीब। रहे तुम्हारी सना इस गरीब से। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाह को सल्ले अलैहि सैयदना शफीअना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान मुकद्दस का आठवां पारा है और दूसरा रुकू है। रब्बे कदीर का इरशाद है, अवमन काना मईत। पूरी तवज्जो से तर्जमा सुने ताकि फिर किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े, अल्लाह की मेहरबानी काफी रहे। और जब अल्लाह की मेहरबानी होती है तो भाषा कुछ भी बोली जाए समझने में आसानी होती है। और वो जो मुर्दा था, अब अमन काना मैतन, मुर्दा था, मरा हुआ था, फअहयैना हो, फिर हमने उसे जिंदा किया। यानी जो मराहिल है उसमें पहला मरहला ये है कि ही वॉज डेड, वो बिल्कुल मरा हुआ था, बेरूह था, गैर रूह था, गैर जी रूह था, फिर हमने उसमें रूह डाली यानी जिंदा किया। बिल्कुल लफ्जी तर्जमा पहले सुने, वजअलना लहू नूरन, फिर हमने उसे नूर पर कर दिया। किस पर कर दिया? नूर पर कर दिया। और आसान अगर कर दिया जाए तो यह है कि वो पहले मुर्दा था, फिर हमने उसे जिंदा किया और उसे नूर वाला बना दिया। नूर पर कर दिया मतलब नूर वाला बना दिया। यमशी भी फिन्नास, ऐसा नहीं कि हमने जब नूर वाला बनाया तो उस नूर को लेकर वो बैठ गया या घर में रह गया, नहीं। यमशी बिही फिन्नास यानी उस नूर को लेकर वो लोगों में जाने लगा, लोगों को उस नूर से नूरानियत देने लगा। यही वजह है, बिल्कुल फिलबदी जुमला आया है और एक्सटेम्पोर दे रहा हूं, अल्लाह करे हर दिल वाले के हवाले हो जाए, कि जब तक नूर मिला ना था दुनिया ने पहचाना ना था, मगर ये नूरे विलायत जब गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मिला तो गैलान से चलकर बगदाद को अपने नबी का मदीना बना दिया। इसी नूर को लेकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर के बंजर को अपनी मोहब्बत का संजर बना दिया, और इसी नूर को पाकर मखदूम अशरफ ने सल्तनत को ठोकर मारकर
पिछोछे को अपना सम्मान बना। क्या कहने क्या कहने ये नूर जिसे मिल जाता है वो सिर्फ लेके बैठता नहीं बल्कि यमशी भी उस नूर को लेकर वो गली गली कूचे कूचे शहर शहर नगर नगर गांव गांव करिया करिया जाने। क्या कहने इसके बाद जो दूसरी कड़ी कमम मसलू आज सिर्फ तर्जमे पे मैं इक्तिफा करूंगा कल इंशाल्लाह फैजुल इस्लाम दिन हाफ तब तक मैं थोड़ा और तैयार हो जाऊंगा। आज तर्जमे का तेवर देख लो कल गुफ्तगू का जेवर मिल अब मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए तो फिर दूसरी घड़ी देखी कमम मसलहु फी ज़ुलुमात अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों तुम इस नूर वाले को तवज्जो है ना आपकी यानी जिसे हमने नूर दिया इस नूर वाले को तू उसकी तरह समझता है कमम मसलहु किसकी तरह समझता है ये नहीं कहा उसकी तरह समझता है। अब जो जो उनको उनकी तरह समझे अपनी तरह समझे उसकी तरह समझता है। अब आप कहां तक समझते हैं कुरान तो कयामत तक है न जाने ऐसे कितने फिरके जन्म लेते रहेंगे जो अपनी तरह समझते हैं। कुरान में तो मुतलक कह दिया नूर वाले को तो उसकी तरह समझता है किसकी तरह फिर जुलुमात जो अंधेरे में यानी नूर वाला तो नूरानियत के जन्मों के इज्तिहाम में गुम है और तो उनको उनकी तरह समझता है जो अंधेरे में लई सभी खारिजी मिन्हा और ऐसा नहीं कि वो ऐसा अंधेरा है जो उनके कंट्रोल में उस अंधेरे से निकलने की कोई सूरत ही नहीं देयर इज नो वे टू गो आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डार्कनेस निकलने की कोई सूरत नहीं बैक है उस अंधेरे में और आसान कर दूं बंद है उस अंधेरे में अब जाहिर है ऐसी नाशाइस्ता हरकत कोई इंसान वगैरह तो करेगा नहीं ये देव परी की हरकत होती है अब देव ने बंद कर रखा है तो जब तक खाजा का कर्म नहीं होगा सही धर्म नहीं होगा। ليس بخارج منها كذلك زجنا للكافرين ما كانوا يعملون अल्लाह ताला फरमाता है और ऐसे बिल्कुल आसिफ तर्जमा ही सुनाऊं और ऐसे हमने कर दिया इन अंधेरे में रहने वालों के लिए इस दुनिया को बहुत खूबसूरत एक्स्ट्रॉर्डिनरी ब्यूटीफुल और इस दुनिया की खूबसूरती को देखकर ही उसमें गुम हो गए और हकीकी नूर भूल ये समझते हैं कि ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है ये पार्क बड़ा खूबसूरत है ये दुनिया बड़ी खूबसूरत है और हकीकत क्या है इन्हें पता ही नहीं वाला के नया माँ का नुआ इसके बाद बिल्कुल टू बी फॉलोइंग एक दूसरी आयत है और तंगी वक्त की वजह से मैंने उसकी न तिलावत की न कुछ किया मगर तर्जमा कर दो ताकि लिंक समझ में आ जाए और ये भी पता चल जाए कि हम सुन्नी तो हैं सिर्फ सुन्नी नहीं बल्कि टनाटन और इतने टनाटन कि कुरान पाक बरमला हमारी सुन्नियत का ऐलान कर दूसरी आयत जो बिल्कुल इससे लगी वकदाली का जालना फी कुल्ली करियतिन अकाबिरा मुजरिमीन लियम कुरूफी बिल्कुल सीधा और सलीस तर्जुमा अल्लाह ताला फरमाता है और ऐसे ही हमने कर दिया फी कुल्ली करियती हर छोटे छोटे गांव में जिन्ने जिन्ने गांव में छोटे छोटे गांव में क्या कर दिया बड़े बड़े मुजरिमों को वडेरों को बड़े बड़े गासिबों को बड़े बड़े जालिमों को अकाबिरा मुजरिमी अब जाहिर सी बात है उलमा जानते हैं कि ये तन्वी एक तो ये खुद ये फी कुल्ली करिया ये खुद नकेरा है फिर इस पे तन्वीन तनकीर नकेरा आला नकेरा तो ऐसी सूरत में माना क्या होगा यानी अगर चार घर का भी कोई गांव है तो वो भी इसमें शामिल है हर छोटे छोटे गांव में बड़े बड़े मुजरिमों को या अल्लाह क्यों खुद ही फरमाता है लियम गुरु ताकि वो झुंड बनाकर जाएं और उस गांव में मकर करें धोखा दें लोगों का इम्तिहान लें और याद रखो जो मेरा होगा वो इनके चक्कर में नहीं आएगा
ये अल्लाह की तरफ से एग्जाम है, इम्तिहान, लियम कुरूफिया, और इनके इनकी मगर की हकीकत क्या है वो भी कुरान ने वाज़े कर दी। وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ। حقیقت یہ ہے کہ وہ گاؤں میں جا کے گاؤں والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اگر اسی کوئی جھنڈ غلطی سے ٹپک پڑے آپ کے آس پاس تو حیرت نہ کرنا، سمجھ جانا قرآن پاک نے بہت پہلے وضاحت پیش کر دی۔ اس پوری آیت کریمہ کے حوالے سے انشاءاللہ حسب وعدہ گفتگو آگے ہوگی، صرف ایک حدیث سنا کے میں ختم کر دیتا ہوں۔ کیونکہ اس حدیث کا اس آیہ کریمہ سے بہت گہرا تعلق ہے، اور تعلق کا حال یہ کہ گویا یہ حدیث صرف حدیث ہی نہیں، آج میری گفتگو کی خوبصورت تمہید بھی اس حدیث پاک کو جامد ترمیزی میں حضرت سیدنا ابو عیسیٰ ترمیزی نے نقل کیا۔ یہ مختلف الگ الگ ٹکڑوں پر مشتمل یہ حدیث پاک، یعنی بخاری شریف میں کچھ اور الفاظ ہیں، مسلم شریف میں کچھ اور الفاظ ہیں، نسائی میں کچھ اور ہیں، حاکم کی مستدرک میں کچھ اور ہیں، ابن عبد الرزاق کی مصنف میں کچھ اور ہیں، کلیکٹیولی جمع کر کے مضمون جملہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام والتسلیم نے اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا۔ کسے جمع کیا؟ عاشقوں کو، جیسے آج مسجد والوں نے، ہال والوں نے آپ کو جمع کیا ہے۔ بس اس جماؤں کو دیکھ کے میرا موڈ بن گیا کچھ بولنے کا، نہیں تو حقیقت یہ ہے کہ طبیعت میں نرمی کافی ہے اور موسم میں گرمی بھی ہے۔ جمع کیا، ایک پوچھنے والے نے پوچھا، سأل سائل بأبی کا انت و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان، سرکار کوئی خاص دن ہے آج جو آپ نے ہمیں جمع کیا؟ دیکھیں ذرا محسوس کریں صحابہ کے انداز کو، ان کی گفتار کو، کوئی خاص بات ہے تو لوٹرم کے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کا تاریخ ساز جملہ سنو۔ سرکار فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم آج کا دن کوئی معمولی دن نہیں ہے؟ ارے آج ہی کے دن ٹھیک ایک سال پہلے احد کے شہدا شہید ہوئے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ آج ہی کے دن احد کے عہدہ شہید ہوئے، یعنی ایک سال ہو گیا۔ اب آسان لفظ میں بتا دوں، اپنی زبان میں، بر صغیر کی آج ان کی برسی ہے، ایک دم کلیئر کر دوں، آج کیا ہے؟ برسی۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا انطلقوا الی المقابر، چلو مقبرے کی طرف، قبرستان کی طرف۔ حضور کو اکثر دیکھا گیا اپنے چچا امیر حمزہ کے ہاں جاتے ہوئے، اپنی اہل بیت کے ساتھ زیادہ تھے، کبھی ازواج مطہرات ساتھ میں ہیں تو کبھی ان کے گھر کے لوگ، کبھی مولا کائنات، کبھی حضرت سیدہ فاطمہ، کبھی حسنین کریمین، مگر اس وقت تو پورا جلوس جا رہا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مدینہ منورہ سے احد کی وادیوں تک نکلنے والے جلوس کو دیکھ کر صرف فرشی نہیں، عرشی بھی حیرت۔ اس نیل گگن نے، اس نیلے آسمان نے کبھی زمین پر ایسا جلوس محمدی نہیں دیکھا، جس کی قیادت خود مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ آج کوئی نبی کو گھیرے نہیں ہیں بلکہ شمع نبوت کا پروانہ وار طواف کر رہے ہیں۔ جلوس چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے۔ اب امام بخاری کہ استاد جو امام حمیدی جنہوں نے نقل متواتر اس حدیث کو نقل کیا، ان کے الفاظ سنے، یہ بھی حضرت انس بن مالک سے ہے، کیا کہ حضور جیسے ہی داخل ہونے والے تھے، لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقابر سلم علیہم قائلا السلام علیکم یا اہل القبور انتم السابقون ونحن ان شاء اللہ بكم اللاحقون۔ حضور نے کیا کیا؟ سب سے پہلے داہنا پیر جیسی قبرستان احد میں رکھا، سب سے پہلے قبرستان میں سونے والوں کو سلام کیا۔ کیا کیا؟ سلام کیا، اور کیا کہا؟ سلامتی ہو تم پر اے قبر میں آرام کرنے والوں، تم خوش نصیب پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے ساتھ تم سے ملنے والے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، حضور کوئی کام بلا وجہ کریں گے؟
मैं बड़ी माजरत के साथ वर्मा की बार कहा, कोई काम बिला वजह करेंगे नहीं, सैकड़ों हिकमतें मसलहतें जब जमा होती हैं तो वहां ज़बानी नबूवत को हरकत मिलती है। कोई काम बिला वजह नहीं, सलाम भी बिला वजह नहीं। हुजूर का सलाम करना बता रहा है कि जवाब वो देंगे तभी सलाम करना है। कब्र में लेटने वाला एक मामूली उम्मती, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे हर दिल में पहुंच जाए, कब्र में लेटने वाला एक मामूली उम्मती, हुजूर के नजदीक तो सारी उम्मत मामूली है लेकिन हमारे तो सब सर के ताज है, मगर हुजूर का एक गुलाम कब्र में लेटा अपने आका का सलाम सुन सकता है। अरे नस्ल के अंधों से कहो कि जब कब्र में लेटा हुआ गुलाम उम्मती नबी के सलाम को सुन सकता है तो अगर गुलाम रोटाडम से सलाम करे तो मुस्तफा मदीने से क्यों नहीं सुन सकता। उन्होंने जवाब दिया और उनको देना ही था, अभी तो हुजूर ने सलाम किया। अच्छा, उसके बाद बड़ी तेजी से मैं बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। फिर हमारे यहां बड़ी कहा मसल मशहूर है पूरब की, आप भी समझेंगे कि घुटना पेट की तरफ मुड़त है, घुटना जो है पेट की तरफ मुड़ता है, मतलब खून खून को पहचानता, रिश्ता रिश्ते को जानता है। वहां हुजूर के सब गुलाम लेटे हैं मगर उनमें एक ऐसा भी है जिनके कांधों पे हुजूर का बचपन गुजरा। सैयद शुहदा अमीर हमजा है। कौन है? अब रावी क्या बयान करते हैं, अन्नहु माला इला कब्री अम्मी, सबसे पहले हुजूर कहीं और नहीं अपने चचा जान अमीर हमजा की कब्र की तरफ मायल हुए, फिर मखसूस सलाम किया खुसूसी तौर पे क्योंकि पर्सनालिटी भी खुसूसी है। सुम्मा दाले जमीए शुहदा, फिर तमाम शहीदों के लिए मगफिरत की दुआ की, सब हाथ उठाए हुए हैं। जरा इस कैफियत को दिल में उतारो कि नबी दुआ मांग रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं आमीन, फारूक आजम कह रहे हैं आमीन, उस्मान तिन्नूरैन कह रहे हैं आमीन, मौला अली कह रहे हैं आमीन, दुआ मांग। मुख्तसर ये कि फिर एक मेंबर तैयार किया गया, उस मेंबर पे आका बैठे, बैठ के खुतबा दिया और खुतबे में न जाने क्या क्या दिया। एक बात बताइए, यहां तो कोई मेंबर नहीं है ना, क्यों? क्योंकि ये मस्जिद नहीं है गालिबन। अच्छा है तो मेंबर भी होगा कहीं ना कहीं, जो जलसे की वजह से हटा दिया गया, तो मस्जिद में मेंबर होता है, अब चाहे पोर्टेबल हो या फिक्स हो। हाँ, वही पोर्टेबल, माशाल्लाह। ये आपकी समझदारी है कि जो मैं नहीं भी समझाना चाहता वो भी समझ जाता है। मुस्कुरा के जब रिलैक्स हुए हैं तो ये बताता चलूं कि मेंबर की जगह मस्जिद। क्या है मस्जिद? कभी कब्रिस्तान में मेंबर सुना है कि कब्रिस्तान में मेंबर लगा हुआ था, ओहद में तो था और हुजूर ने उसी मेंबर पे खड़े होकर खुतबा दिया, कोई मस्जिद नहीं कोई मेंबर नहीं, फिर भी मेंबर वहां मौजूद। मतलब क्या है कि मेंबर वहां था नहीं, ले जाने का एहतमाम मदीने से किया गया, मस्जिद नबवी से मेंबर गया। अरे हॉलैंड वालों, इसी एहतमाम को तो हम उर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्स। याद रखना दो जुमले में बात कह रहा हूं कि रस्में तो बदल सकती हैं, रीति रिवाज परंपरा नेचर हमारा कल्चर कस्टम, ये रस्में ये तरीका ये तो बदल सकता है मगर सुन्नत नहीं बदलती। मेंबर पर खड़े होकर अपने चचा का उर्स करके नबी ऐलान कर रहे हैं कि ये मेरी उम्मत, अगर अमीर हमजा का जानशीन कहीं देखो तो तुम भी उर्स करना। अच्छा, एक बात बताइए, हजरते अमीर हमजा
सैयद शहदा है ना, हजरत इमाम हुसैन भी सैयद शहदा है। दोनों में जो फर्क एतबारी जो है, सिर्फ फर्क एतबारी वो ये है कि सारी उम्मत ने हजरत सैयद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला को सैयद शहदा कहा, जैसे कि अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला। मगर फर्क ये है कि अमीर हमजा ऐसे सैयद शहदा है कि उन्हें सिर्फ उम्मत ने नहीं बल्कि उम्मत के नबी ने भी कहा सैयद शहदा। तो शहीदों के सरदार है कि नहीं, बोलिए। मगर नबी के गुलाम, क्या बोलिए? गुलाम। मजहरे कुव्वते परवरदिगार मगर नबी के, अरे चलती फिरती ललकार है मुस्तफा की मगर नबी के। वो अमीरे हमजा जिन्होंने उंगली पकड़कर मुस्तफा को चलना सिखाया मगर मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम। वो अमीरे हमजा जो अपने सीने पे लेटा लेटा कर अपने भतीजे को खिलाते हो सारी फजीलतें उन सराखों पर मगर नबी के गुलाम है। इमामत में बेमिसाल मगर नबी के गुलाम है। कयादत में बेनजीर मगर नबी के गुलाम है। इल्म और तदब्बुर में बेमिसाल मगर नबी के गुलाम है। अरे वो अमीर हमजा जिनका जिनके तसव्वुर से मक्के के दारुल नदवा में जलजला आ जाए मगर नबी के गुलाम है। वो अमीर हमजा जिनकी एक जिनकी गुफ्तार अगर अमीर हमजा की गुफ्तार हो तो अली की तलवार का रंग भी नजर आए। वो अमीर हमजा कि अगर अपने भतीजे अली को अपने सीने से लगा ले तो शेरे खुदा नजर आए। वो अमीर हमजा जो सियादत में बेमिसाल, कयादत में बेमिसाल, इमामत में बेमिसाल, शराफत में बेमिसाल, नजाबत में बेमिसाल, विलायत में बेमिसाल, करामत में बेमिसाल, शहादत में बेमिसाल, मगर है क्या नबी के? अब तवज्जो बिल्कुल समेटिए। नबी के गुलाम है अमीर हमजा और नबी कौन है? इमाम। और वो भी मस्जिद के नहीं, पूरी दुनिया के। कहां के? पूरी कायनात रूहे ज़मीन के इमाम। अब अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के मंजर को महसूस करो कि इस मंजर को देखकर जन्नती हूरों का हाल क्या होगा। दिलवान किस ख्याल में डूबे होंगे? ये बरको समर, ये शमसो कमर, ये खुशकोतर, ये जमीन और जमन क्या महसूस कर रहे होंगे? खुदा की कसम सब अमीर हमजा के हुस्न की बलाएं ले रहे हैं। जरा महसूस करो किन इमाम आया है, वो भी इमामों का इमाम, अपने गुलाम का उर्स करने। तवज्जो के साथ अल्लाह कह रहे दिल में, इमाम कहाँ आया है? अपने गुलामों का, अपने गुलाम का उर्स करने, गुलाम का उर्स करने। अरे सुन्नियों, अगर कोई उर्स को बिदत कहे तो टंके की चोट पर सीना ठोक के कह देना कि नादानो जरा देखो हद में क्या हुआ। अरे जब जब मेरा नबी इमाम होकर अपने गुलाम का उर्स कर सकता है तो हम कादरी होकर गौसे आजम के बिना क्या? अब इसके बाद इंशाअल्लाह ताला कभी मौका रहा, क्योंकि यह हदीस भी बड़ी तफसीली है और इंशाअल्लाह ताला एक के बाद एक जलसे हैं और जलसों पे जलसे, लेकिन कल इंशाअल्लाह पूरी तैयारी से रहिएगा और मैं भी पूरी तैयारी से। محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والآله.